स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। आप मुझे ये बताइए कि ये सोनाली कहाँ है? सोनाली तो गई। गई? हाँ। गई मींस? अरे मतलब वो यहाँ से चली गई है, अपने घर गई है। इंदर भैया और इलेश उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं। व्हाट? क्या? सोनाली चली गई? और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। ये लो। भरी हुई है, पहले झटका देगी, टाइट पकड़ना। दिशा दीदी, मुझे आपसे पूछना था कि वो आहा, कितना चमक रहा है चेहरा, बता कैसे कटी रात? क्यों? ईशान भाई ने रात भर सोने दिया या नहीं? हाँ, एक मिनट, ये बताओ कि पहले ईशान ने कहा क्या? जान, जानू या जाने मन? वो मुझे जान, जानू या जाने मन क्यों बोलेगा? वो तो मुझे सुहाना बुलाता है। राम मिलाए जोड़ी। What? छोड़, इधर आ, इधर आ। ये बताओ कि कल रात को हुआ क्या? दिशा दीदी, मैं इतनी अपसेट हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पता है जो ईशान, forget it। आप मुझे ये बताइए कि ये सोनाली कहाँ है? सोनाली तो गई। गई? हाँ। गई मींस? अरे मतलब वो यहाँ से चली गई है, अपने घर गई है। इंदर भैया और इलेश उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं। What? क्या? सोनाली चली गई? और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तो ठीक है ना, तुम लोग सो रहे थे तो उसने कहा रहने दो। अरे पर दिशा भाभी, ऐसे अचानक कैसे? हाँ, मुझसे भी वो कल बात कर रही थी, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। बड़ी माँ? बड़ी माँ? हाँ ईशान। बड़ी माँ सोनाली? हाँ बेटा, उसे अचानक जाना पड़ा। ओहो, ऐसे क्या देख रहे हो? एक ना एक दिन तो जाना ही था ना उसे अपने घर। हाँ बड़ी माँ, पर ऐसे कैसे जा सकती है? मुझे मिलके भी नहीं गई वो। हाँ वो, मैं भी उसे आज डिनर पर लेके जाने वाली थी। कोई बात नहीं सुहाना भाभी, आज आप हमें डिनर पर ले चलो। इशिका, तू अपना मुंह बंद रख। पता है शाम, सोनाली ने ना बड़ी माँ और दादाजी के साथ मिलके, सुहाना ईशान को इस प्लान के बारे में कुछ भी मत बताना। कुछ नहीं। बताओ बताओ क्या? नहीं वो हाँ? सुहाना जी, ईशान तुम लोग बेकार में परेशान हो रहे हो। अच्छा ठीक है, वो अभी वो घर पहुंची नहीं होगी, इसलिए वो जैसे ही पहुंचेगी ना फोन कर लेना उससे, ठीक है? हाँ, और वैसे भी एक ना एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही था ना। चलो अब मूड ठीक करो अपना। सुहाना, ईशान, सुहाना को लेकर आज शाम को घूमने चले जाओ। हाँ, स्कूटर पे नहीं? हाँ, अपने स्कूटर पे तो बिल्कुल भी नहीं। हो गया? चाय मिले? सुहाना और ईशान, तुम दोनों के लिए घर छोड़कर गई है। सुहाना, मैं जा रही हूँ। सॉरी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो। बस इतना कहना चाहती हूँ कि ईशान तुम्हें बहुत चाहता है। प्यार करता है, पर भोलू है ना, इसलिए तो मैं खुल के बोल नहीं पाता। इसीलिए इसके बोलने का इंतजार मत करो।
उसे प्यार करो। मन की बात सभा पे लानी पड़ती है ईशान। तुम्हारी तरह सुहाना भी भूली है, उसे भी समझने की कोशिश करो। तो उसे अपने दिल की कह दो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, पर तुम्हारी तरह उसे भी अपना प्यार जताना नहीं आता। और सुनो, उसका ख्याल रखना, जी सब पे और सोच, उस जैसी बीवी तुम्हें किसी जन्म में नहीं मिलेगी ईशान। तुम्हारी और ईशान की प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों या तो अपने दिल की बात समझ नहीं पाते या समझ के भी कह नहीं पाते। सुहाना कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, लेकिन उसके लिए एक दूसरे को टटोलना पड़ता है, आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखना पड़ता है। एनीवेज, जो हो चुका उसे भूल जाओ और अब कोशिश करो कि जो भी हो वो अच्छा हो। तुम बस ईशान को प्यार करते रहना और फिर देखना कि तुम दोनों की जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं किया सोनाली ने, मुझे बिना बताए चली गई। जैसे मॉम कहानी सुनाती थी कि एक फेरी आई और सब कुछ ठीक करके चली गई। बड़ी माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे डायरेक्टली भी तो समझा सकती थी ना, सब सोनाली को बताने की क्या जरूरत थी। अभी वो बसंती सारा क्रेडिट ले गई और मुझे डिफीटेड फील हो रहा है। अरे मेरी भोली बेटी, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते के बारे में समझाती तो क्या तुम समझ जाती? ऑब्वियसली तुम इतनी मासूम हो सुहाना कि तुम्हें ये बताने के लिए रोटी गोल होती है, पूनम का चांद दिखाना पड़ता है। पर क्यों, रोटी और मून तो दो अलग अलग चीजें होती हैं। सुहाना, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारे मन में ईशान के लिए प्यार सोनाली ने जगाया। अब मेरे ख्याल से बड़ी भाभी और बाऊजी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। पता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने अंदर के एहसास की खबर दूसरों से मिलती है। जैसे तुमने दीपक के लिए मेरे मन में सच्ची ममता जगाई, तुमने। Like that? Oh, 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 oh. फिर ठीक है। राधे बुआ, दीपक कैसा है? आप लोग दोनों स्माइल क्यों कर रहे हैं अभी? अरे खुश भी ना हो क्या हम? Of course. But कैसे? दीपक ठीक है। और तुम आप सोनाली को भूल जाओ। पूरा ध्यान ईशान पे दो। ध्यान? You mean yoga टाइप ध्यान? No, no. अब दीपक को फोन लगाइए ना, मुझे उससे बात करनी है। अब तो मैं 100% उसकी बड़ी भाभी बन गई हूँ। बड़ी नहीं, बड़ी नहीं, छोटी भाभी। छोटी भाभी? हाँ, रजनी बड़ी भाभी, दिशा मछली भाभी और तुम छोटी भाभी। बड़ी और छोटी तो ठीक है, अब ये मछली भाभी क्या होता है? ठीक है ठीक है, मैं छोटी भाई हैप्पी हूँ। आप दीपक को फोन लगाएंगी कि नहीं? एक सर, एक
क्या हुआ? आपने बुलाया था ना? ये बताओ, कहीं मैं तो नहीं फंसूंगा ना? डरो मत, मैं आपका नाम तक नहीं जानता, और वैसे भी 2-3 साल में तो आप मरने वाले हैं। पुलिस को आपका नाम बताकर मैं सरकार के पैसे नहीं खर्च करना चाहता। काम की बात करो बेटे, माल लाए, माल पैसा। गिल्लो, 50 और 100 के नोट है। गिनने की जरूरत नहीं है बेटा मुझे, यमराज भी मुझसे धोखा नहीं कर सकता। भरी हुई है, पहले झटका देगी, टाइट पकड़ना। अभी से हाथ कांपने लग गए। हाँ दीपक, कैसा है? मैं ठीक हूँ माँ। क्या हुआ, तू इतना घबराया हुआ से क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, मैं ठीक तो हूँ माँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बता, तुझसे कौन बात करना चाहता है? बता। कौन? नाना जी? नाना जी नहीं, भाभी जी। SIL सुहाना बाज, सुहाना कश्यप। आप कैसी है भाभी? मैं एकदम ठीक हूँ। अरे तुम इतने डरे हुए क्यों साउंड कर रहे हो? इज ऑल ओके? हाँ भाभी। दीपक के बच्चे, कहीं तुम अपनी कोई गर्लफ्रेंड के साथ में तो नहीं हो? सुनो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम मुझे अभी से बता दो, मैं अभी से राधा बुआ को सेट करके रहूंगी, ठीक है? नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ईशान भैया कैसे हैं? अरे ईशान तो ठीक ही है, वो अच्छा हो या खराब हो, वो तो सेम टू सेम ही दिखता है। लो तुम राधा बुआ से बात करो, और सुनो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे ही बताना, ओके? बाय, सी या। सुन दीपक, ठंड बहुत बढ़ गई है, इसलिए स्वेटर बगैर पहने मत निकलना बाहर, समझा? और सुन, दोबारा सुधीर का कोई फोन तो नहीं था ना? नहीं माँ। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। अरे सुनो, अपना सामान तो लेके जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।